भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा किसी मसालेदार बॉलीवुड मूवी की तरह रहा। भारत ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने कभी नहीं की थी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। इसी के साथ 32 सालों के बाद ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में मात देकर कंगारुओं को बता दिया कि शेर शेर होता है और फिर तुम तो कंगारू ठहरे, भारतीय शेरों से कैसे मुकाबला कर पाओगे। सबने जीत का जश्न मनाया, आपने भी मनाया होगा, मगर इस जश्न के बीच एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसकी एक आंख से जीत की खुशी और दूसरी आंख से अपने पिता से हमेशा के लिए दूर होने का गम बह रहा था। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद सिराज की। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया में ऐसा प्रदर्शन किया जिसको दशकों तक याद रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर सिराज ने जिस तरह का प्रदर्शन कर दिखाया वह एक नए सितारे के जन्म की ओर इशारा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सिराज का सिलेक्शन भारतीय बेड़े में एक रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर हुआ। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के कुछ दिन बाद ही मोहम्मद सिराज के पिता का इंतकाल हो गया। इस दुखद घड़ी में BCCI ने सिराज को स्वदेश लौटकर पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने का ऑफर भी दिया, लेकिन सिराज ने BCCI को यह कहते हुए ऑफर ठुकरा दिया कि उनके पिता का सपना था कि वो मुझे भारत के लिए खेलते हुए देखे। आज पिताजी जहां भी होंगे वह बहुत खुश होंगे। दूसरी तरफ मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए। अब भारतीय टीम की गेंदबाजी की कमान सिराज के कंधों पर आ गई। मेलबर्न के मैदान पर अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले सिराज को ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर दूसरे टेस्ट मैच में ही इंडियन टीम की गेंदबाजी की कमान संभालने का मौका मिला। सिराज ने दोनों हाथों से इस मौके को लपक लिया। अपने कंधों पर इतना बड़ा बोझ लिए सिराज ने मैदान में कदम रखा। ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने सिराज के ऊपर नस्लभेदी टिप्पणी भी की। सिराज ने इस मुश्किल घड़ी में संयम से काम लिया और अपनी धारदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया की बोलती ही बंद कर दी। सीरीज में 3 मैच खेलने वाले सिराज ने कुल 13 विकेट चटकाए, जिसमें ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 73 रन देकर 5 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। वो कहते हैं ना कि मुश्किल परिस्थितियों में खिलाड़ी के टेम्परामेंट और क्लास की असली परीक्षा होती है। मुश्किल वक्त में खिलाड़ियों का क्लास और उनका टैलेंट निकल कर बाहर आता है। मोहम्मद सिराज ने इसे 100% सही साबित कर दिया और भारतीय टीम में अपनी दावेदारी को और भी मजबूत कर लिया है। सिराज ने ऑस्ट्रेलिया में दोधारी तलवार की तरह धारदार गेंदबाजी की। एक तरफ मैदान के अंदर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सिराज की गेंदों से जूझते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ दर्शक दीर्घा में बैठे ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के बीच चुप्पी छा गई। मोहम्मद सिराज का यह प्रदर्शन वाकई काबिले तारीफ है। पिता के चले जाने का सदमा, ऑस्ट्रेलिया की कठिन परिस्थिति, चोट से लड़खड़ाती टीम इंडिया और दबाव वाले माहौल में शानदार प्रदर्शन के दम पर सिराज ने ना सिर्फ मैच का रुख पलट दिया बल्कि सीरीज को भी भारत के नाम कर दिया। हालांकि सीरीज जीत का सहरा सिर्फ मोहम्मद सिराज के सिर बांधना बाकी खिलाड़ियों के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। इस सीरीज ने भारतीय टीम को कुछ नए सितारे भी दिए जो आगे चलकर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें दिखाई देंगे। इनमें सबसे पहला नाम विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का आता है। टीम मैनेजमेंट के साथ साथ दर्शक भी ऋषभ पंत को महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। टीम इंडिया के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने मैच के आखिरी दिन अपनी सदी हुई बल्लेबाजी से टीम को ऐतिहासिक जीत तक पहुंचाया। आखिरी टेस्ट में जीत के लिए टीम इंडिया को 328 रन चाहिए थे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अंतिम टेस्ट मैच में 3 विकेट से हराया, जिसमें ऋषभ पंत ने 138 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 89 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। ऋषभ पंत ने सिडनी टेस्ट में भी जबरदस्त पारी खेली थी। सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी में पंत ने 97 रन बनाए थे। इस सीरीज में पंत ने कुल 2 अर्धशतक जड़े। शुभमन गिल और सरदुल ठाकुर ने भी इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। इन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच दिया। मोहम्मद सिराज के शानदार प्रदर्शन का फल उन्हें मिला। फरवरी में इंग्लैंड की टीम भारतीय दौरे पर तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलने आ रही है। सिराज का सिलेक्शन पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए किया गया है। यह दौरा 5 फरवरी से चेन्नई में शुरू होगा, जहां 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ इस दौरे की शुरुआत होगी। इस दौरे पर इंग्लैंड की टीम भारत से 4 टेस्ट, 5 T20 और 3 वनडे मैच खेलेगी। यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि कोरोना के बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने जा रहा है। दोनों टीमों के बीच डे नाइट टेस्ट मैच होगा जो अहमदाबाद में नए बने सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें यह मोटेरा स्टेडियम वही स्टेडियम है जहां पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। लाइव अपडेट के लिए जुड़े रहे ओ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।